राम राम जी की दोस्तों, कल 2 मई को उत्तर रामायण का आखिरी एपिसोड प्रसारित हुआ। इस आखिरी एपिसोड के दृश्यों को देख करके फैंस काफ़ी भावुक हुए। आज के इस वीडियो में हम साझा करेंगे कि फैंस के क्या क्या रिएक्शन सोशल मीडिया पर आए हैं, किन दृश्यों को पसंद किया गया, किन दृश्यों पर दर्शक फूट फूट कर रोए, और साथ ही हम रामायण से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आपको तो वो दृश्य याद ही होगा जब लव कुश पिता राम के दरबार में राम कथा सुनाते हैं तो वहाँ बैठी प्रजा के साथ साथ दर्शक भी इमोशनल हो जाते हैं। इस दृश्य पे सबसे ज़्यादा दर्शक जो हैं वो इमोशनल हुए हैं और दर्शकों ने अपने अलग अलग रिएक्शंस सोशल मीडिया जैसे ट्विटर पर साझा किया है। और इस दृश्य पर कई फैंस की आंखें नम हो जाती हैं जब लव कुश का पिता राम से मिलने वाला सीन आता है। कुछ लोगों ने खुद ट्विटर पर बताया है कि उत्तर रामायण के इस लम्हे ने उन्हें किस कदर इमोशनल कर दिया। उत्तर रामायण के इस सीन को एक ट्विटर यूज़र तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि यह इमोशनल सीन है। उनके द्वारा शेयर इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 84,000 से ज़्यादा व्यूज़ और 17,000 से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों ने कमेंट कर बताया कि इस सीन को देखकर उनकी आंखें भर आई थी। एक और ट्विटर यूज़र मिस्टर राकेश ने कहा है कि सारे घर वाले भावुक हो गए इस दृश्य को देख करके और सभी घर वाले एक दूसरे से अपने आंसू छुपा रहे थे इस सीन को देख करके। दोस्तों, आपको बता दें कि कल के रामायण का लास्ट एपिसोड देखने के बाद से, इनके कुछ दृश्य देखने के बाद से, कुछ फैंस के परिवारजन काफ़ी भावुक हो गए और वो रोने लगे। दर्शक इनसे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें और कुछ अपने मैसेज भी साझा कर रहे हैं ट्विटर पर। दोस्तों, आपको बता दें तो कोई आखिरी दृश्य में माँ सीता के धरती माँ की गोद में समा जाने को अपने ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दर्द भरा सीन बता रहा है, तो कोई पूरे परिवार के साथ रामायण देखने की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है। साथ ही धारावाहिक के निर्देशक रामानंद सागर को लेकर भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं भी सबसे ज़्यादा भावुक उसी दृश्य पर हो गया जब माँ सीता धरती माँ के गोद में समा जाती है कि रामानंद सागर की रामायण ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है। जो कारनामा बड़े बड़े शो नहीं कर पाते वो रामानंद सागर की इस भव्य प्रस्तुति ने कर दिखाया है। लॉकडाउन के बीच लोगों ने रामायण को इतना प्यार दिया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये शो TRP के मामले में सभी से आगे निकल गया है। दोस्तों, एक ट्विटर यूज़र ने तो यहाँ तक बताया कि जब मेरे बच्चों को ये ज्ञात हुआ कि ये रामायण का एपिसोड आखिरी एपिसोड है तो वो फूट फूट कर रोने लगे। हम सभी को इस बात का काफ़ी अफसोस है कि रामायण अब प्रसारित नहीं होगा क्योंकि कल इसका आखिरी एपिसोड था, लेकिन हम सब ज़रूर चाहेंगे कि इसका प्रसारण फिर से दोबारा हो। दोस्तों, आपको बता दें कि लव कुश का रामायण सुनाने वाला जो भजन है वो दिल जीतने वाला था। भजन की कुछ लाइनें सुन करके दर्शक इतने भावुक हो गए कि कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि जो इस भजन को सुन रोएंगे नहीं वो भावनाहीन है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इस शो की जगह रामानंद सागर द्वारा निर्मित श्री कृष्णा का प्रसारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दूरदर्शन जब से रामायण दोबारा लेकर आया है तब से इस शो को लेकर चर्चाएं कम नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर ज़बरदस्त क्रेज़ देखने को मिल रहा है। इस बीच रामायण ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड के लिए कहीं ना कहीं दूरदर्शन के दर्शक भी क्रेडिट के हकदार हैं। दूरदर्शन नेशनल ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दर्शकों के लिए पोस्ट लिखते हुए कहा है कि हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद। रामायण वर्ल्ड रिकॉर्ड, ग्लोबल तौर पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये मनोरंजन कार्यक्रम है, चूँकि TRP के मामले में ये हर शो को पछाड़ चुका है। दोस्तों, रामायण के इस महागाथा को, इस महान धारावाहिक को हम सभी याद रखेंगे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इसका पुनः प्रसारण बाद में फिर से दूरदर्शन पर होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप रामायण के किस सीन पर सबसे ज़्यादा भावुक हो गए ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम, स्टे होम, स्टे सेफ़।